हेलो एंड वेलकम बैक टू जी मैक्स स्टूडियोज। मेरा नाम है गोर्की एम और पिछले एपिसोड में हमने बात की थी वाइट बैलेंस की। इस एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि हर कैमरे में मीटरिंग मोड्स क्या होते हैं और उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इससे पहले कि हम मीटरिंग मोड्स के बारे में बात करें, यह जानना बहुत जरूरी है कि इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं। अगर आपने एपिसोड 1 देखा है तो आपको मालूम होगा कि लाइट पहले सब्जेक्ट को हिट करती है और वहां से बाउंस होके कैमरे के अंदर आती है और इस तरह तस्वीर बनती है। अब जो लाइट सब्जेक्ट पे पड़ रही है उसे इंसिडेंट लाइट कहते हैं और जो लाइट बाउंस होके कैमरे में आ रही है उसे रिफ्लेक्टेड लाइट कहते हैं। अब पहली प्रॉब्लम यह आती है कि कैमरे को यह नहीं मालूम कि ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट लेंस के अंदर सेंसर तक पहुंच रही है ये किस चीज से रिफ्लेक्ट होके आ रही है। तो उसके लिए तो सारी रिफ्लेक्टेड लाइट बराबर ही है, वो भले ही ब्लैक बैकग्राउंड से आ रही हो या वाइट बैकग्राउंड से आ रही हो या येलो या ग्रीन या ब्लू। तो उसको ये जजमेंट करने में बहुत मुश्किल होती है और इसकी वजह से सबसे पहली प्रॉब्लम आती है। क्योंकि अगर टेक्निकली देखा जाए तो हर कलर अलग अलग लाइट रिफ्लेक्ट करता है। तो ये है एक लाल नोटबुक जो एक काली नोटबुक पे रखी हुई है और इसकी रीडिंग 1/4 ऑफ अ सेकंड है एट f4.2 ISO 100। अब हम अगर इसको चेंज करते हैं तो हमारी रीडिंग बदल के 1/6 ऑफ अ सेकंड एट f4.2 ISO 100 पे हो जाती है। अब अगर हम इस पे काली नोटबुक रखते हैं तो शटर स्पीड 1.3 सेकंड्स हो जाती है। तो हालांकि इन तीनों नोटबुक्स पे लाइट वही पड़ रही है लेकिन क्योंकि हर कलर अलग अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करता है, बाउंस करता है, इसीलिए कैमरा मीटर कंफ्यूज हो जाता है। और हालांकि लाइट वही है लेकिन अलग अलग कलर के लिए वो अलग अलग रीडिंग देता है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आजकल के कैमरास या कैमरास बाय एंड लार्ज उन सब का एक ही मकसद होता है। उनके पीछे जो कंप्यूटर होता है, जो उनकी प्रोग्रामिंग होती है, उसका एक ही मकसद होता है कि हर फोटो को अच्छी तरह से एक्सपोज किया जाए। अब आपकी लाइटिंग अगर इवन है, उसमें बहुत ज्यादा डार्क जोन नहीं है, बहुत ज्यादा लाइट जोन नहीं है, तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ मूडी तस्वीरें लेने की कोशिश कर रहे हैं कि आधा फेस लाइट में हो आधा डार्क हो, तो कैमरा की वो समझ में नहीं आता है, तो वो पूरी फोटोग्राफ को ठीक से एक्सपोज करने की कोशिश करता है। उसकी कोशिश यही रहती है कि पूरा फ्रेम, पूरी फोटो अच्छी तरह से एक्सपोज हो जाए। और अक्सर एज फोटोग्राफर्स हम ये नहीं चाहते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक बहुत सिंपल सी फोटो है, एक लैंडस्केप है जिसमें बर्फ है और यही प्रॉब्लम है। बर्फ ज्यादा होने की वजह से कैमरा को ज्यादा सफेद दिखाई पड़ता है, कैमरे के अंदर बहुत ज्यादा लाइट अंदर आती है, इसीलिए वो इस फोटोग्राफ को अंडर एक्सपोज कर देता है और ये फोटोग्राफ थोड़ी सी अंडर एक्सपोज दिखती है जबकि ये ऐसी दिखनी चाहिए। तो 3-4 ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें आपके कैमरा का मीटर बेवकूफ बन जाता है। पहली ये कि आपका फ्रेम बहुत ज्यादा डार्क हो, दूसरी कि आपका फ्रेम बहुत ज्यादा ब्राइट या सफेद हो, तीसरी अगर सब्जेक्ट पे लाइट पीछे से पड़ रही है या लेंस में लाइट डायरेक्टली पड़ रही है। और इसीलिए हमें यह जानना जरूरी है कि अलग अलग मीटरिंग मोड कैसे काम करते हैं और उनका कब इस्तेमाल करना चाहिए। कोई भी कैमरा ब्रांड हो, भले ही निकॉन, कैनन, सोनी या फूजी, उसमें 3 या 4 तरह की अलग अलग मीटरिंग होती हैं। और हालांकि हर कैमरा ब्रांड अपनी मीटरिंग को अलग नाम से बुलाता है,
लेकिन इनमें ज्यादा फर्क नहीं है। शायद ये सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए ऐसा करते हैं। कैमरा मॉडल के मुताबिक या तो इस तरह का बटन होता है जिससे हम मीटरिंग मोड चेंज करते हैं, या फिर एक ऐसा बटन होता है जिसे हम दबा के कमांड डायल को घुमाते हैं। कई कैमरास में मीटरिंग मोड में जाने के लिए हमें मेन्यू में जाना पड़ता है। तो सबसे पहले हम जिस मीटरिंग मोड की बात करेंगे उसे हर कैमरा ब्रांड अलग अलग नाम से बुलाता है। निकॉन उसे मैट्रिक्स बुलाता है, कैनन इवैल्यूएटिव बुलाता है, सोनी मल्टी बुलाता है और फूजी भी मल्टी बुलाता है। कोई भी कैमरा ब्रांड हो, ये एक बहुत ही एडवांस्ड और कॉम्प्लेक्स मीटरिंग सिस्टम है और 90% ऑफ द टाइम इसकी रीडिंग सही होती है। इसका साइन एक डॉट और उसके चारों तरफ एक पैटर्न होता है और आमतौर पर हर कैमरे में इसका यही निशान है। इस मोड में कैमरा पूरे फ्रेम को एनालाइज करता है और कैमरा मेक और मॉडल के अनुसार वो जो है एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड कंप्यूटेशन प्रोसेस के द्वारा आपको एक्सपोजर वैल्यू देता है। जैसे मिसाल के तौर पे निकॉन का ये कहना है कि उनके कैमरों में 30,000 फोटोग्राफ्स के डेटाबेस हैं जिसके अगेंस्ट वो आपकी फोटो को कंपेयर करते हैं और उसके बाद कैमरा आपको एक्सपोजर बताता है। तो ये था आपका मैट्रिक्स इवैल्यूएटिव या मल्टी मीटरिंग मोड। अगला मीटरिंग मोड है सेंटर या एवरेज। इस मीटरिंग मोड की निशानी है एक डॉट और उसके दाएं बाएं दो ब्रैकेट। इस मोड में कैमरा सेंटर की रीडिंग लेता है और उसके बाद आपको एक्सपोजर वैल्यू देता है। तीसरा मोड है स्पॉट, और जहां तक मुझे मालूम है हर कैमरा मेकर इसे स्पॉट ही बुलाता है और इसकी निशानी होती है एक डॉट। इस मोड में कैमरा सिर्फ और सिर्फ आपके फोकस पॉइंट से एक्सपोजर रीडिंग लेता है और बाकी फ्रेम को नजरअंदाज कर देता है कि वहां पे सब्जेक्ट ब्राइट हो या डार्क हो, उससे उसको कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ एक्सपोजर रीडिंग उसी स्पॉट की लेगा। तो आइए एक अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि किस सिचुएशन में कौन सी मीटरिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। ये रूल्स नहीं है, लेकिन अगर आप इनको प्रैक्टिस करेंगे और अलग अलग तरह की मीटरिंग्स यूज करेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि किस सिचुएशन में आपका कैमरा कैसे रिएक्ट करता है और उसी के अनुसार आप अपनी मीटरिंग मोड को चेंज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, हम मैट्रिक्स मीटरिंग में हैं और ये खूबसूरत नौजवान मैं हूं, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि कैमरे ने एक अच्छी रीडिंग दी है जिसमें फेस भी ठीक से एक्सपोज्ड है और बैकग्राउंड भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। अब देखते हैं कि अगर हम स्पॉट मीटरिंग में जाते हैं तो क्या होता है। तो स्पॉट मीटरिंग में भी क्योंकि स्पॉट अभी मेरे चेहरे पे है तो रीडिंग ठीक ही है, लेकिन अगर हम स्पॉट को मूव करना शुरू करते हैं तो हमारा एक्सपोजर काफी बदल जाता है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था कि ये स्पॉट मीटरिंग में ये सिर्फ उसी जगह की रीडिंग ले रहा है जहां पे ये स्पॉट है, और ये बाकी फ्रेम में क्या है, लाइट है या डार्क है, उसे बिल्कुल ही नजरअंदाज कर रहा है। सेंटर वेटेड मीटरिंग में भी क्योंकि अभी मेरा चेहरा सेंटर में है, बीच में है, तो इसीलिए रीडिंग करीब करीब ठीक ही है, लेकिन अगर हम अपने कॉम्पोजिशन को चेंज करते हैं और सब्जेक्ट को ऑफ सेंटर लेते हैं तो ऐसा हो सकता है कि कैमरा कंफ्यूज हो जाए और वो जो है सेंटर की ही रीडिंग देने की वजह से आपको एक ऐसी तस्वीर मिले या एक ऐसा एक्सपोजर मिले जो आपको पसंद नहीं है। तो सेंटर वेटेड मीटरिंग हमेशा सेंटर की ही रीडिंग लेता है भले ही कुछ हो जाए।
पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको कैमरा के सबसे जरूरी बटन के बारे में बताऊंगा। तो कई लोगों ने मुझे लिखा और कहा कि कैमरे का सबसे जरूरी बटन ऑन ऑफ बटन होता है। कईयों ने लिखा कि ये शटर बटन होता है। तो चलिए ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन मेरी नजर में कैमरे का सबसे जरूरी बटन एक्सपोजर कॉम्पनसेशन बटन होता है, जिसे प्लस माइनस साइन के द्वारा दिखाया जाता है। एक्सपोजर कॉम्पनसेशन बटन ये करता है कि जो कैमरा ने एक्सपोजर का डिसीजन लिया है, जो उसने शटर स्पीड और अपर्चर तय की है फोटो लेने के लिए, आप उसको ओवरराइड कर सकते हैं और प्लस और माइनस के जरिए या तो उसको ओवर एक्सपोज कर सकते हैं या अंडर एक्सपोज कर सकते हैं, और इसका आपकी तस्वीर पे बहुत असर पड़ सकता है। कैसे, आइए देखते हैं। एक्सपोजर कॉम्पनसेशन के बटन पे प्लस और माइनस का निशान बना होता है, जैसे कि ये कई कैमरों पे ये एक डायल भी होता है। तो या तो हम इस डायल को घुमाते हैं या फिर एक्सपोजर कॉम्पनसेशन बटन को दबाकर कमांड डायल को घुमा के एक्सपोजर की वैल्यू को ओवर या अंडर एक्सपोज करते हैं। तो ये एक सिनारियो है जहां पे लाइट मेरे पीछे से आ रही है और कैमरा मीटर कंफ्यूज हो रहा है। तो मैं एक्सपोजर कॉम्पनसेशन बटन को दबाकर एक्सपोजर वैल्यू को बढ़ा के 2.3 तक लेके जाता हूं, जिससे मेरे चेहरे का एक्सपोजर सही हो जाता है, या फिर मैं स्पॉट मीटर का इस्तेमाल करके एक सही फोटोग्राफ ले सकता हूं। अगर मुझे उल्टा करना है और एक सिल्वेट खींचनी है तो मैं एक्सपोजर कॉम्पनसेशन बटन को दबा के फोटोग्राफ को अंडर एक्सपोज करूंगा। तो ये थी जानकारी मीटरिंग मोड्स के बारे में। अगले एपिसोड में हम लोग बात करेंगे लेंसेस के बारे में, हर तरह के लेंसेस के बारे में बात करेंगे, प्राइम लेंसेस, जूम लेंसेस, स्पेशलिटी लेंसेस। तो अगले एपिसोड तक जी मैक्स स्टूडियोज को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस प्लीज अपने दोस्तों के साथ ट्विटर, फेसबुक और गूगल प्लस पे शेयर जरूर कीजिए। अगले एपिसोड तक बाय बाय।